हमारे घर में किसी ने कर दी है और ये लोग बना रहे हैं रील। बनाओ भाई, बनाओ रील, बनाओ, गाओ। गाते क्यों नहीं हो? गाइए। तेरा मुंह आ रहा है, हटा लो। गाओ, क्या कर दिया? बड़ी देर से रील बनाने की कोशिश कर रहे, पर मैंने आती नहीं रील बनानी। अभी मैं इनकी रील खराब करूंगा। बनाओ। माइक पास में होना चाहिए। ये माइक नहीं है बेटा, ये रहा माइक। माइक तो पता नहीं इसको। चुप हो जाओ यार, बना दो एक अच्छी सी। बना लो। अपना पहले से बात हट। 001 बहन को नमन। हट। बनाओ बनाओ। हट। चुप। असर खत्म। हम सफर में तो हम सफर खत्म। सफर हट। जाता रहा, खत्म हो गया सब। पास आता रहा, पास आता रहा, पास आता ही आता है। अब सुनाओ कैसी आवाज है, देखो सुनाओ, इधर हटा के सुनाओ। आगे पीछे क्या बना, क्या ये हार्ट अटैक भी तो आया उसमें। ओहो भाई साहब, रील बन गई कितनी बढ़िया। वेरी वेल, बैड पीपल इन द हाउस। हमारा अभी एक और चीज़ की डिस्कवरी हुई, हमारे बाथरूम में, हमारा उसके रबैका के बाथरूम में किसी ने बैठ करके बादाम खाए और उसके छिलके वहीं छोड़ दिए। छुप करके, ये छुप के काम किसने कराया, इनमें से कोई है? मुझे नहीं पता। देखो मेरा बाथरूम तो इधर है, मैं इधर ही जाता हूँ अपने दूसरे वाले में, तो या तो ये यही है खुद, या फिर ये खुद ही है, खुद खा करके छुप करके इल्जाम लगा रहे हैं सब पे। एनीवेज गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ मेरा व्लॉगिंग सेटअप। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं व्लॉग कैसे करता हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। सो मैं आज आपको बताऊँगा कि मैं किससे व्लॉग करता हूँ। मेरे पास कोई DSLR नहीं है, ना मैं फ़ोन से व्लॉग करता हूँ। मैं व्लॉग करता हूँ GoPro Hero 8 से। जी हाँ, GoPro Hero 8 Black से। सो मेरा जो व्लॉगिंग सेटअप है, सबसे पहले जो मेरे पास व्लॉगिंग सेटअप था, जो मैंने मंगा लिया था स्टार्टिंग में ही, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था कि हम व्लॉग शुरू करें या फिर हम यूट्यूब चैनल शुरू करें तो हम किससे करें। देखो, आप फ़ोन से भी कर सकते हो अपना व्लॉगिंग शुरू। मेरे पास फ़ोन है रियलमी X, जो कि बहुत ही अच्छा फ़ोन है। यार 2-2.5 साल हो गए मेरे को यूज़ करते हुए, आज तक कभी आईफोन की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी ऐसे कि मैं उसको लूँ या फिर यूज़ करूँ। आप लोग स्टार्टिंग में करना चाहते हो तो आप अपने फ़ोन से भी व्लॉगिंग शुरू कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा ऑडियो क्वालिटी ख़राब होने के चांसेस होते हैं क्योंकि नॉइज़ बहुत सारा आता है सराउंडिंग से। उसके लिए भी बहुत सारे माइक्स आ जाते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। एक छोटा सा गिम्बल ले सकते हो या फिर एक मोनोपॉड ले सकते हो और उस पर आप फ़ोन को लगा के साथ साथ माइक भी अटैच हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अवेलेबल चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं आपके लिए व्लॉगिंग शुरू करने के लिए, यूट्यूब चैनल शुरू करने के लिए, डेली व्लॉग्स डालने के लिए। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मैं अपने व्लॉगिंग सेटअप में क्या क्या यूज़ करता हूँ या मेरे पास कौन कौन से एक्शन कैमरा है जो इनको मैं यूज़ करता हूँ। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा कैमरा है वो है GoPro Hero 8 Black। पहले ही मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूँ, जिससे मैं अभी भी शूट कर रहा हूँ और इसका वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। और मेरे को लेना था व्लॉगिंग सेटअप मोटो व्लॉगिंग के लिए खास तौर से। पहले जो मैंने लिया था वो लिया था DSLR मोटो व्लॉगिंग के लिए, नॉर्मल DSLR 1500D। उस टाइम मेरे को पता नहीं था कि व्लॉगिंग के लिए कौन से कैमरा यूज़ होते हैं, फिर उसमें माइक लगता है नहीं लगता, लग पाएगा नहीं लग पाएगा। उस टाइम पे मैंने वो वाला कैमरा लिया, पर थोड़ी देर बाद मेरे को जाके पता चला उसका माइक लगता ही नहीं, अटैच नहीं होता। तो मैंने क्या करा कि मैंने सोचा कि उसको निकाल देते हैं, और क्योंकि मेरे को मोटो ब्लॉगिंग भी शुरू करनी थी, मोटो ब्लॉगिंग शुरू करनी थी, तो GoPro तो लेना ही था। और उस टाइम 9 तो आया नहीं था, ये मैं बता रहा हूँ कम से कम कुछ महीने पहले की बात है। अक्टूबर में मैंने, सेप्टेम्बर एंड में मैंने वो GoPro 8 अपना लिया था। तो उस टाइम पे मैंने वो कैमरा बेच दिया और GoPro 8 ले लिया, जो कि लेटेस्ट था, 7 और 8 में कंफ्यूजन। तो मैंने GoPro Hero 8 Black ले लिया। इसके ऊपर भी मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो बनाऊंगा कि इसकी क्या क्या फंक्शंस है, इस GoPro 8 से आप क्या क्या कर सकते हो और इसमें क्या क्या कमांड्स हैं। मतलब बहुत बढ़िया है, मेरे को तो अब तक बहुत अच्छा लगा। मैंने और मेरे दोस्त ने ये GoPro Hero 8 मंगाया, एक साथ ही मंगाया, एंड वी आर हैविंग
very much fun with these GoPros. So this is my camera for daily vlogging, जिसको मैं daily use करता हूँ. मतलब आज से जितने भी महीने हुए हैं daily मैंने इस camera को use करा है. तो इसकी quality आप देख ही सकते हो मेरी सारी videos में जा करके, बहुत अच्छी quality आती है. बहुत अच्छा इसमें range मिलता है, wide angle मिलता है, super wide angle मिलता है. मोटो vlogging के लिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है ये कैमरा. साथ ही साथ इसका जो ऑडियो आउटपुट है वो भी बहुत ही बढ़िया आता है माइक अटैच करके. इसके साथ जो मैं माइक यूज़ करता हूँ वो है ये वाला माइक मेरा, बोया का है ये. मॉडल है BY-MM1. सो फिलहाल तो अभी इसकी ये जो मेरी लीड है जिसका वायर है ये ख़राब हुआ पड़ा है. ये और दूसरा भी जो डायरेक्ट कैमरा के साथ लगता है विदाउट कनेक्टर, वो दोनों ही आई थिंक ख़राब हो गई हैं. जिसकी वजह से आपने लास्ट व्लॉग्स में अगर ध्यान से देखा हो तो आवाज़ आती थी खर खर की, चिर चिर की, जिसकी वजह से मैंने माइक चेंज करा. मेरे पास ऑलरेडी एक और माइक था जो कि ये वाला है. इसका नाम है माउनो व्लॉग माइक्रोफोन AUC M10. इन दोनों के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन गो एंड बाय फ्रॉम माय लिंक. वहां से जाकर के आप ये दोनों माइक्स में से कोई सा भी ले सकते हो. ये 2000 का है और ये 1500 का है. सो दोनों की ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है. इसकी थोड़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी वॉइस. नॉइज़ कैंसिलेशन या फिर नॉइज़ जो एक्स्ट्रा आता है, एक्स्ट्रा नॉइज़ जो आता है उसको ये अपने आप ही रिड्यूस कर देता है, क्योंकि इसमें ये डेड कैट आती है. इसको फर नहीं बोलते, इसको बोलते डेड कैट. ये है छोटा सा माइक, ये इसकी डेड कैट इसको लग जाती है. सो अभी जो मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ वो ये वाला माइक है जो कि ऑलरेडी मैंने लगा रखा है. इसकी दिक्कत ये है कि GoPro में वाइड एंगल जब भी मैं यूज़ करता हूँ तो माइक थोड़ा सा सामने दिखता है, ऊपर से हल्का सा वीडियो में आ जाता है, तो उसको काटना पड़ता है या फिर नहीं भी काटता मैं डेली व्लॉग में तो चलता है. तो साथ ही साथ जो मैं इसके साथ मोनोपॉड यूज़ करता हूँ वो है मैनफ्रोटो का मोनोपॉड जो कि मेरे पास है. ये मैंने अपने DSLR के लिए मंगवाया था जो कि बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी वाइज एंड परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा है. तो इसमें मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ. मैनफ्रोटो का है ये मोनोपॉड, छोटा पॉड है, अच्छा है, बढ़िया है यूज़ करने के लिए. तो मैंने अभी तक आपको बता दिया कि मैं GoPro 8 के साथ क्या क्या यूज़ करता हूँ. GoPro 8 के साथ मैं अपना ये माइक यूज़ करता हूँ, ये मोनोपॉड यूज़ करता हूँ. साथ ही साथ इसमें माइक अटैच करने के लिए GoPro में, किसी भी GoPro में एक कनेक्टर चाहिए होता है जो कि GoPro का ही आता है, जिसको मैं यूज़ करता हूँ. और ये कम से कम 4500 के आसपास का आता है. अगर आपको भी किसी को मंगाना है ये कनेक्टर, ये माइक कनेक्टर, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से इसको मंगा सकते हैं. ये मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को बता सकूँ कि किस तरीके से मैं अपनी व्लॉगिंग को, डेली व्लॉगिंग को करता हूँ, और जो है उन लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है जो पहली बार व्लॉग शुरू करना चाहते हैं या फिर YouTube पे अपना चैनल शुरू करना चाहते हैं. तो GoPro से भी आप अच्छी वीडियोस बना सकते हो. GoPro सिर्फ और सिर्फ मोटो व्लॉगिंग के लिए ही यूज़ नहीं होता. मैंने देखा कई सारे लोग इसकी सेटिंग नहीं करते ठीक से, जो कि मोटो व्लॉगिंग में भी अजीब सी क्वालिटी आती है कई बार. तो इसमें थोड़ा बहुत बैलेंस करना पड़ता है iOS का, लाइट का, किस लाइट में आप कैसी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो उस हिसाब से इसको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है, तब जाकर और अच्छी वीडियोज आती है. शुरुआती दौर में मेरे को भी थोड़ी सी दिक्कत आई थी इसमें, क्योंकि जो है लाइट्स का इसमें मैं नहीं समझ पा रहा था. धीरे धीरे जब यूज़ करने लगे तो उसको हमने ठीक करा और सेट करा, फिर अब हम उसको रोज़ यूज़ करते हैं अपने डेली व्लॉग्स में. साथ ही साथ मैंने एक नया अपग्रेड करा है Insta 360 डिग्री. मेरे को कैमरा चाहिए था तो मैंने एक अपग्रेड करा एंड आई बॉट दिस वन Insta 360 1R ट्विन एडिशन. में क्या होता है, आपको अगर इसका वीडियो देखना है तो आप जाकर ये देख सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. इसका एक स्पेशल वीडियो मैंने बना रखा है अनबॉक्सिंग का, जिसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है. ट्विन एडिशन में बस इतना ये होता है कि एक कैमरा आता है डुअल लेंस, ये वाला, जिसमें आगे पीछे लेंस होता है जो कि 360 कवर करता है, और इसके साथ आता है एक सिंगल 4K लेंस जो कि ये है. आपको निकाल के दिखा देता हूँ. 4K लेंस. इस कैमरा की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि इसकी स्क्रीन भी है जो कि हम रिवर्स कर सकते हैं. साथ ही साथ इस Insta 360 के लिए चाहिए होती है सेल्फी स्टिक. मैं यूज़ करता हूँ ये सेल्फी स्टिक जो कि मेरे पास ऑलरेडी रखी थी. मैंने GoPro के बहुत सारे माउंट्स मंगाए थे, पूरा सेटअप मंगाया था जिसमें सारी चीज़ें थी, अलग अलग माउंट्स थे, अलग अलग चीज़ें थी जो कि सेल्फी स्टिक्स थी जो कि हम यूज़ करते हैं GoPro के साथ. तो मैंने Insta 360 के लिए इसी को अभी तक यूज़ कर रहा हूँ. इससे और लंबी सेल्फी स्टिक आती है जो कि इंस्टा की ही होती है. सो आई विल बी ऑर्डरिंग दैट
बहुत ही जल्द उसको मैं मंगाऊंगा। अभी तो फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ ज़्यादातर सामान डिलीवर नहीं हो रहा है और बाहर से मंगाना अभी थोड़ा सा सेफ भी नहीं है। इंस्टा 360 की हम बात करें तो इसमें बहुत सारे मोड्स आते हैं। दो मोड्स मैं आपको बता चुका हूँ, एक तो ये 4K मोड है और एक ये ट्विन एडिशन मोड है। बहुत 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 अच्छा सिस्टम है। मेरे पास एक और इंस्टा 360 का 4K मोड का एडिशन रखा हुआ है, अगर आप में से कोई लेना चाहता है तो मुझे ज़रूर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बिल्कुल नया का नया ऐसे बॉक्स, फुल बॉक्स मतलब पूरा पैक बॉक्स रखा हुआ है 4K एडिशन। इफ़ यू वांट यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ये इसलिए अच्छा कह रहा हूँ मैं क्योंकि इट्स टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ GoPro 9 में क्या है कि फ्रंट में स्क्रीन है, जब भी आप व्लॉगिंग करते हो तो अपने आप को आप देख सकते हो। सिमिलरली इसमें भी सेम चीज़ है, बस हल्का फुल्का फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सो इट इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन कॉन्टैक्ट मी, नीचे कॉमेंट कर सकते हो या मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पर जा करके वहाँ पर आप मुझे DM कर सकते हो। ओके, साथ ही साथ जब मैं स्पेशल वीडियोज़ बनाता हूँ जिसमें मैं आप देखते हो कि मेरा बैकग्राउंड चेंज हुआ हुआ होता है, जैसे कि आज हुआ हुआ है, तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ ये पीछे ग्रीन स्क्रीन, आप देख सकते हो कलर चेंज है। ग्रीन स्क्रीन मैं यूज़ करता हूँ, मैंने ये भी मंगाया था अपने व्लॉगिंग के लिए, स्पेशल वीडियोज़ के लिए जब भी हम करते हैं तो ग्रीन स्क्रीन मैं यूज़ करता हूँ। साथ ही साथ मैं यूज़ करता हूँ अच्छी लाइट के लिए ये रिंग लाइट जो कि मेरे पास है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी मैं इसका एंगल नहीं छेड़ूंगा वरना फिर दोबारा से सेट करने में टाइम लगेगा। सो दिस इज़ द ग्रीन लाइट दैट आई यूज़ फॉर माई वीडियोज़। अभी मैंने इसको जुगाड़ पे लगा रखा प्लेट के ऊपर क्योंकि इसका मेरे पास स्टैंड नहीं है प्रॉपरली, ये वो सक्शन माउंट है जो कार में लगाते हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। सो गाइस, इफ यू वांट टू डू दिस व्लॉगिंग यूट्यूब चैनल आप शुरू कर सकते हो, आप कभी भी शुरू कर सकते हो। इवन सोचिए कि हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट होने चाहिए। देखिए मैं भी अभी भी जुगाड़ से ही कर रहा हूँ, आई एम एट माय बिगनिंग स्टेज जिसमें कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ बेहतर कर सकूँ उन्हीं चीज़ों से जो मेरे पास अभी हैं। अभी तो हम घर में बैठे हैं तो मैं ऐसी शॉर्ट वीडियो, छोटी छोटी वीडियोज़ या फिर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। सो दिस इज़ माई व्लॉगिंग सेटअप। कोशिश करेंगे, आशा करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में एक अच्छा DSLR ले जिसमें हम अपना प्रॉपर वीडियोज़ को बना सके, प्रॉपर सेटअप कर सके और अच्छी वीडियोज़ और आ सके। तो अभी तो मैं फ़िलहाल ट्राई करने जा रहा हूँ बहुत ही जल्द अपने GoPro से 4K में रिकॉर्ड करना। इसमें 4K का भी ऑप्शन है, तो आप लोग जब वीडियो देखोगे आगे आने वाले टाइम में या फिर कल ही शायद मैं व्लॉग करूँ 4K फॉर्मेट में, तो आप TV पे ज़रूर देखना, उसमें फिर पता चलेगा कि कितनी अच्छी क्वालिटी या क्लैरिटी आती है 4K मोड में। साथ ही साथ मुझे चाहिए होता है GoPro में बहुत सारी बैटरी, क्योंकि इसका बैटरी बैकअप अच्छा नहीं है, मैं तो यही कहूँगा बिल्कुल बेकार बैटरी बैकअप है। GoPro 8 बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अगर रेगुलर हम इसको यूज़ करें तो। GoPro में ना बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, देखो हैंग हो जाता है या फिर गर्म हो जाता है तो बंद हो जाता है अचानक से, पता नहीं चलता, कई वीडियोज़ आधी रह जाती है, मुझे बाद में पता चलता है जब मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ, तो होता है कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आती है। ये GoPro को करना चाहिए थोड़ा स्टिक, तो मैंने उसके लिए मंगा रखा है अपना एक और बैटरी मेरे पास है। मैंने मंगाया था तो पूरा सेटअप मंगाया था, आप देख सकते हो कि इसकी भी वीडियो मैंने GoPro 8 की, तो ये है इसका बैटरी चार्जर, डुअल बैटरी चार्जर, और ये एक और इसकी बैटरी। मेरे पास दो बैटरीज हैं, एक बैटरी चार्जर है इसका GoPro का। सो ये है मेरा छोटा सा व्लॉगिंग सेटअप जिसको आप भी अगर लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन इफ़ यू वांट टू बाय एनीथिंग। अगर आप चाहते हो कि आप मुझसे ले लो वो 4K एडिशन, सो यू कैन टेल मी, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरे पास रखा हुआ है। तो बीच में मैंने DSLR के बाद अपने फ़ोन से भी रिकॉर्डिंग करना शुरू किया था, फ़ोन से भी व्लॉग्स बनाए थे, सो वो भी एक शुरुआत थी। तो मैं ट्राई कर रहा था कि किस में क्या बेटर क्वालिटी आती, क्योंकि ना वो DSLR वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए था नहीं, इसलिए मैंने फ़ोन से शुरू करा, फिर GoPro आ गया, तो अब मैं GoPro से ही करता हूँ। सो दिस इज़ माई स्मॉल व्लॉगिंग सेटअप जो कि मैंने यूज़ किया है अभी तक, आगे आना टाइम में तो करेंगे अपग्रेड, धीरे धीरे अपग्रेड करते रहेंगे। इसी GoPro को मैं यूज़ करता हूँ अपने हेलमेट भी, तो उसका भी एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कि मैं मोटो व्लॉगिंग किस तरीके से करता हूँ, इनको कैसे कैसे यूज़ करता हूँ, तो उसके लिए आप तैयार रहें। सो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने बनाई है, हाउ डू आई व्लॉग, या फिर जो भी टाइटल मैं अभी दूँगा कि मेरा व्लॉगिंग सेटअप कैसा है। ये मेरी बहन का कमरा है अभी जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, दे रही मैं मतलब ये रहा मैं, ओहो पीछे से सब बढ़िया देखा मैंने। आ
सब खोद डाला इन लोगों ने और शोर मचा रखा है सुबह से अभी तक। तूफान आया हुआ है, बारिश हो रही है, क्या बात है, क्या बात है।